हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एन एसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज 10 एम्पियर। सो गिवन है हमें चार स्टेटमेंट्स और इसमें से हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी एज 50 हर्ट्ज और गिवन है हमें करंट की आरएमएस वैल्यू एज 10 एम्पियर। तो जब हम स्टेटमेंट वन चेक करते हैं, द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू इज 5 × 10⁻³ सेकेंड। और स्टेटमेंट टू भी हमें सिमिलर वे में गिवन है, बट यहाँ वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻³ सेकेंड। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का डेटा ले लेंगे, जिससे हमें मिल जाता है टाइम पीरियड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज 1 / 50 सेकेंड। तो बच्चों, ये आंसर मिल जाएगा 2 × 10⁻²। अब अगर हम एसी में एनालाइज करें, सो सपोज दिस इज द एक्स एक्सेस और यहाँ पर हम ले लें ओमेगा टी और हम वाई एक्सेस पर ले लें करंट। तो बच्चों, यहाँ हमें मिल जाते हैं 4 क्वार्टर साइकिल्स, जिसमें कि 2 हाफ साइकिल्स हैं। 1 हाफ साइकिल पॉजिटिव है एंड 2nd हाफ साइकिल निगेटिव है। तो बच्चों, जब हम यहाँ पर सबसे पहले 1st हाफ साइकिल में चेक करेंगे, तो 0 से लेकर मैक्सिमम करंट आने तक टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? T/4। तो हम फाइंड कर लेंगे T/4, विच इज 2 × 10⁻²⁺ सेकेंड। क्योंकि यहाँ 2 हाफ साइकिल हैं, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 1st 0 to maximum करंट की वैल्यू, या फिर सेम होगा मैक्सिमम टू 0 करंट की वैल्यू, या फिर 0 to again मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम करंट की वैल्यू और अगेन मैक्सिमम टू 0। तो इसमें से हम किसी भी एक टाइम बाय 4 को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो मिल जाएगा हमें स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अब बच्चों, स्टेटमेंट 3 और 4 में हमें पूछा हुआ पीक करंट। तो बिकॉज हमें आरएमएस करंट गिवन है 10 एम्पियर, तो हम पीक करंट को कैसे निकालेंगे? आरएमएस करंट मल्टीप्लाइड बाय √2, सो दिस इज 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1.414 एम्पियर, सो दिस विल बी 14.14 एम्पियर। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमें करेक्ट मिल जाता है, सो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चों, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमें करेक्ट मिल जाते हैं, इट मीन्स हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर D। थैंक यू।